हाई guys, दिस is एम Now टू टेल यू tell you एडिटोरियल ऑफ द हिंदू टूडे डेट Today फिफ्टीन is ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एज वेल एज आई विल एक्सप्लेन यू होल एडिटोरियल इन हिंदी सो डैट यू कैन understand एंड बूस्ट your नॉलेज बूस्ट your vocabulary एक्सेट्रा लेट्स विजिट हमारा आज का एडिटोरियल क्या है डिस्टर्बिंग डायलेशन डिस्टर्बिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब कर देना बिगाड़ देना खराब कर देना डायलेशन का मतलब होता है फैलाव ठीक है यानी कि जो हर चीज़ जो फैलाव हो रहा है वो डिस्टर्ब होके हो रहा है डिस्टर्बिंग होते हुए हो रहा है अगर ये नाउन है तो ये क्या है एडजेक्टिव है क्योंकि टी आई यू एन जब भी जो भी नाउन ज़्यादातर मोस्टली क्या होते हैं वो नाउन होते हैं टी आई यू एन आने पर किसी वर्ड के पीछे लगने पर क्या हो जाता है नाउन हो जाता है और नाउन को हमेशा कौन क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है ठीक है आगे देखिए अनटेम्ड का मतलब अनकंट्रोल मैं ये ले देता हूँ ठीक है इन्फ्लेशन मतलब महंगाई रिस्क का मतलब खतरा यानी कि अनटेम्ड जो रिस्क है वो महंगाई का रिस्क है वो ठीक है कंट्रोल में नहीं है हार्टिंग मतलब जो चोट पहुंचा सकती है चोट पहुंचाती है डोमेस्टिक का मतलब जो घरेलू है कंजम्पशन यानी देश के अंदर अंदर जो कंजम्पशन है लोग चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है यूज कर रहे हैं उस पर भी रिस्क आ सकता है उस पर भी महंगाई बढ़ सकती है ठीक है टाइटल सब टाइटल दोनों का मीनिंग आई होप सो समझ आ गया होगा ठीक है तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बुकैब पहले करेंगे बुकैब बुकैब के बाद मैं कराऊंगा आपको इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं पी वाई क्यू से हैं एक्चुअली अभी मेंस के लिए ज़्यादा दिन नहीं है इसलिए आप पी वाई करें केवल वही काफ़ी है अगर वो करते हैं डेली बेसिस पे तो आपको जबरदस्त फ़ायदा होने वाला है क्योंकि आपको रियलिटी पता चलती है ठीक है फर्स्ट वर्ड है हमारा डायलेशन का मतलब होता है फैलाना फैलना बढ़ाना एक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग किसी भी चीज़ का फैलाव करना बढ़ाना अशर्टेड का मतलब होता है या अशर्ट ई डी हटा सकते हो अशर्ट का मतलब होता है दृढ़ता से कहना दावा करना अफर्म अबो ठीक है नेक्स्ट है डिसकन्सर्ट यानी परेशान करना अशांत कर देना कन्फ्यूज डिसकंपोज ठीक है ये दोनों ही इसके क्या हैं श्रेने में रिवर्सल का मतलब होता है परिवर्तन उल्टा, उल्टाव्युतक्रमण यानी रिवर्स टर्न अराउंड दोनों ही श्रेने में हो गए प्रपोल का प्रोपोल का प्रोपैल प्रो, का मतलब होता है धकेलना आगे बढ़ना इम्पैल ठीक है एक्चुएट और इंसाइट तो प्रोपेल के सारे मीनिंग समझ आ गए अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्क्वाइट डिस्क्वाइट का मीनिंग होता है चिंता अशांति असा, डिस्ट्रैक्ट या पर्टर्ब नेक्स्ट है इम्प्लाइंग का मतलब समझाना सूचित करना कैनोट या फिर मीन एंटेल सेंस का मतलब सिवाय या के बिना ठीक है दूसरा है अपसर्ज का मतलब होता है चढ़ाव उन्नति तरक्की यानी कि सर्ज भी बोल सकते हो आप और रश भी बोल सकते हो आउट स्ट्रिप्ट का मतलब होता बढ़ जाना से अधिक बढ़ जाना ये एक्सीड ये आउट डू ठीक है दोनों ही सनेम हो जाएंगे नेक्स्ट है लॉग्ड का मतलब भरा हुआ या शराब शराब और होना या कहीं तक लिमिटेड मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ तक होना उसके लिए भी लॉग लग जाता है ठीक है एंकर्ड का मतलब सहारा इस इस्ट्रक या रोकना कास्ट एंकर ग्राउंडेड भी बोल सकते हैं यानी कि जैसे जहाज होता है ना जहाज को हम रोकते हैं एंकर डाल के लंगर इसको बोलते हैं ना और बांध देते हैं तो सहारा ही तो देते हैं इतनी सी रोकने के लिए वो वाला ठीक है स्ट्रिप आउट का नज़रअंदाज करना इग्नोर टू अंडरस्टैंड वाट इज़ रियली इंपॉर्टेंट नज़रअंदाज इसलिए करना कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझ पाना ठीक है यानी यूजफुल चीज़ें उसको हम समझें और जो अनयूजफुल हैं उसको इग्नोर करते हैं वो क्या होता है आपका स्ट्रिप्ट आउट होता है स्टॉर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इंपॉर्टेंट तो वर्ड काफ़ी थे इसमें इसका ये ज़्यादातर आता है ठीक है वन वर्ड में आया कैसे भी आएगा जरूर इसका मीनिंग होता है अड़ियल से ये अड़ियल ढंग से एबड्यूरेटली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ऑप्शिनेटली मतलब इन तीनों में कोई ना कोई मिल जाएगा आपको ठीक है नेक्स्ट है मल मतलब सोचना विचार करना कंटेम्पलेट ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है पॉन्डर ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है थिंक ये तीनों को तीनों क्या हो जाते हैं सिनेम हो जाते हैं आई होप बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी चीज़ें ठीक है अभी क्या था इससे पहले शुरुआत में जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ें तो साथ ही साथ मैं चाय भी पी रहा था तो क्या होता है कि मैं फ्लो मेरा नहीं बन पा रहा था और मैं चीज़ें कुछ का कुछ पढ़ पा रहा था मतलब प्रोनन्शिएशन सही नहीं निकल रहा था एक ये भी इशू आता है चलो आ, ये अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो डेफिनेटली आप जो ना लाइक कर दिया करो अब हम मूव करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए ठीक है मैं आपको बता दूँ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम चैनल तो वहाँ पे फ्री पीडीएफ मिलेगी क्विज वगैरह मिलेंगे ठीक है और पेड कोर्स भी है जैसे सॉल्यूशन ऑफ़ द कॉमन एरर है फिलअप है स्नैनिम्स है एंटेनिम्स है बनबर्ड है ई डी एम्स है एडीएम फ्रीज क्लोज टेस्ट ठीक है पी वाई क्यू की व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हो पेड कोर्स से तो थ्री मंथ के लिए वन डबल नाइन सिक्स मंथ के लिए टू तो डबल नाइन ट्वेल्व मंथ के लिए थ्री डबल नाइन ठीक है ले लीजिए आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिल रहा है जो लोग हैं वो लोग डेफिनेटली जुड़े हुए हैं और वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा पा रहे हैं ठीक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑन लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एस एग्ज़ाम डेली द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी ऑन ऑनिट्यू यू कैन अवेल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ इंप्रूवमेंट में चले हम तो इट इज़ कंपल्सरी टू एवरी सिटीजन यानी कि कम्पल्सरी सारे सिटीजन के लिए टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको हेल्प करें फॉर कीप एज द सिटी क्लीन मैं आपको बता दूं इसमें आपको बताना improvement और कौन सा बेहतर हो सकता है क्योंकि तो फॉर एक preposition और preposition के बाद जब भी कोई verb आए मैंने हमेशा पढ़ाते हुए बोला है उसमें आई एन जी फॉर्म जुड़ेगा क्या इसमें आई एन जी जुड़ा हुआ नहीं तो जाहिर सी बात है इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है यानी कि एक ऑप्शन हमारा कट तो क्या इसमें अप कीप का मतलब होता है मरम्मत करना या ठीक करना ठीक है तो जाहिर सी बात है ये भी आपका सही नहीं बैठ रहा है यहाँ पर ठीक है और इसमें आई भी आना चाहिए ठीक है तो ये भी हमारा ऑप्शन कट फॉर कीपिंग ये ठीक लग रहा है ठीक है लेकिन पढ़ लेते हैं फॉर कीपिंग ऑफ द सिटी क्लीनीनेस ठीक है यानी कि सिटी की क्लीनिनेस के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन की मन, मदद करनी चाहिए देखो जब भी हमारा पर्पज हो ठीक है या उद्देश्य जिसको हम कहेंगे अगर वो हो तो हमेशा टू इन्फिट लगा करके आप सेंटेंस को बनाएं ठीक है तो अब देखिए इट इज़ कंपलसरी सभी के लिए है क्या शहर को साफ रखना और एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करना अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करेंगे तो शहर क्या रहेगा साफ़ रहेगा तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है टू कीप द सिटी क्लीन क्या आना चाहिए थर्ड यहाँ पे टू कीप द सिटी क्लीन क्लियर है अच्छा ये क्यों नहीं होना चाहिए आपको पता चल गया जब भी हमारा पर्पज़ वगैरह होता है तो हम टू का यूज़ करते हैं ये ध्यान रखना है आपको क्लियर तो ऐसे ही करना और ये शायद सी एच एस एल में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है और इसका आंसर जो है थर्ड है बाकी नेक्स्ट पे मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा मिस्टर शर्मा हैज़ बीन लिविंग इन सिटी। इस सिटी में रहते आ रहे हैं सिंस फाइव ईयर देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है यानी कि जिसको आप फिक्स टाइम कहते हो डेट वगैरह दे रखी हो एक होता है ड्यूरेशन जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन में हमेशा फॉर का यूज होता है और ये इसमें किस का यूज होता है फिक्स ऑफ टाइम में सिंस का अभी बताइए इसमें पाँच साल से तो रह रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता कौन से पाँच साल है जब मुझे यही नहीं पता कौन से पाँच साल है तो मैं सिंस कैसे लगा सकता हूँ इसका मतलब मुझे यहाँ पे किसका यूज करना चाहिए फॉर का यानी कि फर्स्ट वर्ड इज़ योर आंसर ऑनली तो हो ही नहीं सकता ना इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं हो फ्रॉम भी नहीं लग सकता यानी कि फ़र्स्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ओ फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ये भी आसान था तो इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं बट आपको मालूम होना चाहिए अगर नहीं मालूम है तो समझ लीजिए फिर तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए आई होप सो कि आप इसे अच्छे से तैयार करें इन चीज़ों को ठीक है तो अब मूव करते हैं भाई हम अपने एडिटोरियल की तरफ हमारा एडिटोरियल है डिस्टर्बिंग डायलेशन डायलेशन मतलब फैलाव डिस्टर्बिंग वो फैलाव जो डिस्टर्बिंग चीज़ों को फैलाव होते जा रहा है कैसे अनटेम्ड मतलब अनकंट्रोल अन इन्फ्लेशन जो महंगाई है रिस्क उसका जो खतरा है हर डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारे जो देश के अंदर चीज़ें खपत होती हैं उन चीज़ों पे भी क्या रिस्क मरवा सकता है अगर इस तरीके से चीज़ें खराब होती रहें ठीक है अब हम चलते हैं इसके एडिटोरियल पर देखिए जस्ट फाइव डेज आफ्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रिजर्व बैंक इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास असर्टेड जोर देते हैं जो, जो के कहते है कि कहते हैं कि इन्फ्लेशन हैज़ शोन साइंस इन्फ्लेशन ने क्या किया है शो का मतलब दिखाया है देखो इन्फ्लेशन में अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो हैज लगाया इन्होंने ठीक है साइन का मतलब चिन्ह दिखा दिए ऑफ मोड्रेशन किसके मोटरेशन का मतलब ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी यानी कि मोटरे सिचुएशन एंड द वर्स्ट द जब भी ये सुपरलेटिव डिग्री है देखो मैं आपको बता दूं कि बैड और बैड के बाद आता है डब्ल्यू आर एस ई बर्स फिर क्या होता है डब्ल्यू ओ आर एस टी वर्ष ठीक है ठीक है तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री और ये हो गया कंपेरेटिव डिग्री और ये आ गया सुपरलेटिव डिग्री और आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगता है द लगता है ठीक है मोड्रेशन एंड द वर्स्ट इज बिहाइंड अस चीजें मॉडरेट जरूर हो गई हैं उसके साइन हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो हमारे पीछे बिहाइंड अस चीजें बहुत ज्यादा खराब भी हो सकती हैं ये भी साइन है ऐसी बात नहीं है ठीक है मोट्रेशन एंड द बर्स्ट बिहाइंड एस हमारे पीछे कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक है अब आगे देखिए यहाँ से मंडे मन, मंडे का रिलीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि मंडे वाले दिन जो सी था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मीनिंग हुआ जहाँ पर लोग छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं सब्जी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं सिंगल यूज़ वाली चीज़ें खरीदते हैं तो उसे हम क्या वो रखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रखेंगे एस्टिमेट्स अनुमान है ठीक है फॉर जनवरी जनवरी का महीने रिवील्ड का मतलब ओपन हुआ है आर डिसकंसल्टिंग डिशकंसल्ट रिवर्सल मतलब उल्टा होना पलटाव होना ठीक है परिवर्तन होना इन द प्राइस गेन ट्रेंड प्राइस गेन यानी कि फिर से चीज़ें क्या हो रही हैं महंगी हो रही हैं अब देखिए मंडे का जो रिलीज हुआ ठीक है क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एस्टिमेट ये पूरा सब्जेक्ट है तो ये वब हो गई सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है फॉर जनवरी रिवील्ड उसने डिस्क्लोज कर दिया था ओपन कर दिया था डिसकंसल्ट रिवर्सल अब देखो डिसकंसल्ट का मतलब होता है परेशान करना ठीक है रिवर्सल का मतलब दोबारा से फिर से परिवर्तन आना प्राइस में गेन जो प्राइस बढ़ रहे हैं गेन का मतलब बढ़ने से है ट्रेंड जो प्राइस बढ़ने का जो ट्रेंड है उसने फिर से चीज़ें क्या वो हर चीज़ महंगी हो रही है इसलिए लोग क्या हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं यानी कि मैं सिंपल सी अगर भाषा में बोलें तो महंगाई क्या हो रही है बढ़ती जा रही है जिससे कि परेशानियाँ संभवता बढ़ सकती हैं आगे देखें हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन जो हेडलाइन है उसके रिटेल इन्फ्लेशन को क्या है है बिच यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिटेल इन्फ्लेशन के लिए आया है। हैड स्टीडली यानी कि लगातार ईज मतलब नॉर्मल हो रहा ओवर लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 ट्वेंटी टू कि लास्ट साल के हम क्वार्टर की बात करें लास्ट क्वार्टर में बाईस के तो उसमें क्या था चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिखाई थी फ्रॉम सितम्बर या सेप्टेम्बर फाइव मंथ हाई ऑफ सेवन पॉइंट फोर यानी कि जो इन्फ्लेशन था वो कितना था सेवन पॉइंट फोर था वो थोड़ा सा डाउन होते हुए दिखाई दे क्योंकि मतलब जल्दी से बाई एट्टी बेसिस पॉइंट लास्ट मंथ ठीक है टू सिक्स पॉइंट फाइव एट्टी बेसिस पॉइंट की बात करें पॉइंट वाइज कम हुआ था कितना हुआ था लास्ट मॉइस पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है वो सात पॉइंट फोर से सिक्स पॉइंट फाइव आ गया था ठीक है ये सेंटेंस यहाँ भी खत्म हुआ अब चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी आगे देखिए प्रोपेलिंग मतलब उकसाना आगे बढ़ना एक्सेरेट का मतलब कमबड़ होना चीज बदलाव होना चीज़ों में वॉज वन बेसिस पॉइंट कितना पॉइंट लगा वन बेसिस पॉइंट जंप इन फूड प्राइस फूड प्राइस की बात हो रही है विद इन्फ्लेशन महंगाई मेजर में नापी गई ठीक है बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के द्वारा तो वहाँ पे कितना वन पॉइंट वो वन सेवेंटी फाइव बेसिस पॉइंट में जंप हुआ बढ़ोतरी हुई फूड प्राइस में स्पेशली क्योंकि मतलब जल्दी से टू फाइव पॉइंट नाइन फाइव पॉइंट नाइन फोर परसेंट फ्रॉम दिसंबर फोर पॉइंट नाइन वन परसेंट यानी कि दिसंबर के महीने में पहले था कितना था फोर पॉइंट नाइन पॉइंट फिर कितना हुआ एकदम से 5.94 परसेंट ठीक है दिसंबर तक आते आते ऐसा हो गया हाल यानी इतनी बढ़ोतरी हो गई आगे देखें एडिंग द डिस्क्वाइट अशांत इज द फैक्ट सच्चाई जो है दैट इन्फ्लेशन इंफ्लेशन ऑलरेडी बीन एट द एलिवेटेड वो पहले से ही ऊपर हो गया है 6 परसेंट इन जनवरी 2022 की बात करें इंप्लाइंग दर्शाता डेट द ईयर ऑन ईयर इंक्रीज वॉज स आ फेवरेबल बेस इफेक्ट ये कहना चाह रहा है कि हम साल दर साल जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें ये दर्शाता है कि फेवरेबल बेस इफेक्ट जो बेस इफेक्ट होना चाहिए वो फेवरेबल होना चाहिए उसके बिना सेंस का मतलब उसके बिना एंड एंटायरली पूरा ड्यू टू एन अप शर्ज मतलब बढ़ना इन द मोमेंटम जो क्षणिक है प्राइज गन यानी कि सारी की सारी चीजें क्या हो रही है फेवरेबल नहीं हो रही है वो उसके बिना इफेक्ट कुछ नहीं पड़ रहा है उसका बल्कि सब चीज बढ़ती जा रही है एंटायरली पूरा बढ़ता जा रहा है ठीक है ठीक है प्राइस एकदम बढ़ते जा रहे है। हैं अब देखिए फूड प्राइस इज क्लाइम्ड अगर फूड प्राइस की बात करें क्लाइम्ड मतलब चढ़ गए अक्रॉस द बोर्ड सबसे ऊपर ठीक है विद वेजिटेबल्स सब्जियों के बींग द सॉलिटरी आइटम मतलब सॉलिटरी मतलब अकेला आइटम इन द दीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस uh, इंडेक्स की बात हो रही है उसमें जो सब्जी वाला प्राइस है सब्जी वाला जो आइटम है वो अकेला ऊपर जा रहा है उसके प्राइस ट्वेल्व मेंबर ऑफ फूड एंड बीवरेज ट्वेल्व मेंबर देखो जब भी आपका न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए और उसमें हाइफन लगा हो बीच में तो हम उसे प्लूरल एस नहीं लगाते उसमें यानी कि प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करते अगर आपने हाइफन हटा दिया तो एस लगाना पड़ेगा ठीक है ध्यान रखना इन चीज़ों का 12 मेंबर फूड एंड बीवरेज बिवरेज के मतलब जो चीज़ पीने लायक होती हैं ठीक है हम पीते लिक्विड फॉर्म में होती हैं सब ग्रुप टू पोस्ट अ ईयर ऑन ईयर डिफ्लेशन ऑफ 11.7 पॉइंट सेवन परसेंट एज विंटर सप्लाई आउट स्ट्रिप्ट डिमांड ठीक है अब मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँ ये वाला सेंटेंस जो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अब देखिए यहाँ से आप कि फूड प्राइस क्लाइंट पहले उनके एकदम पैसे बढ़ गए थे वेजिटेबल्स बिंग अ सॉलिटरी आइटम जो एक अकेला ही आइटम था इन द सी में ठीक है ट्वेल्व मेंबर फूड फूड कैटेगरी में वो एक अकेला आइटम था सब्जियों का बीवरेज सब पो, सब ग्रुप इनका दूसरा ग्रुप ठीक है टू पोस्ट पोस्ट मतलब बाद में ईयर ऑन ईयर साल दर सा डिफ्लेशन ऑफ 11.1 पॉइंट वन परसेंट एलेवन पॉइंट सेवन परसेंट एज विंटर सप्लाई आउट स्ट्रिप्ट मतलब बढ़ना डिमांड का मतलब मांग अगर जैसे जैसे क्या हुआ महंगा मांग बढ़ती गई तो क्या हुआ फिर भी इसकी महंगाई कम होती गई ऐसा नहीं था उल्टा चला यहाँ पे केवल ये सॉलेट्री आइटम यानी कि सब्जियों वाला उसके साथ ही या खाने वाली चीज़ें उसके साथ ही ऐसा हुआ ठीक है सीरियल बिच इंक्लूड राइस एंड वीट अगर सीरियल की बात करूँ सीरियल्स की उसमें राइस और वीट इंक्लूड हैं चावल और गेहूँ एंड कैरीज़ द दैवीएस्ट वीट ऑफ ऑलमोस्ट टेन परसेंट इन द सब ग्रुप अगर इस ग्रुप की बात करूँ मैं जो कि सब दूसरा ग्रुप है ठीक है उसे दूसरी कैटेगरी में रखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है कितना टेन परसेंट एंड लॉग्ड एट शो सिक्सटीन पॉइंट वन परसेंट जम्प इन प्राइस उसमें क्या हुआ सोलह परसेंट सोलह पॉइंट या सोलह परसेंट राउंड फिगर ले लीजिए सोलह परसेंट की जंप होगी प्राइस में एंड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट की अगर बात करें द सेकेंड हैवीएस्ट सेकेंड हैवीएस्ट जो कि इसमें ग्रोथ हुई है स so, दिखता है प्राइस मतलब कीमत गेन मतलब उसको बढ़ोतरी हुई है एट पॉइंट सेवन नाइन परसेंट ठीक है इसमें इतनी यानी कि आपकी जो खाने वाली चीज़ें हैं उसमें चीज़ें बढ़ती गई हैं महंगाई बढ़ती गई है अब यहाँ से देखें पॉलिसी मेकर मस्ट बी पर्टिकुलरली बरीड अबाउट सोलडी जो पॉलिसी मेकर हैं बनाने वाले मस्ट बी पर्टिकुलर विशेष तौर पर बरीड मतलब चिंतित होना चाहिए अबाउट के बारे में ठीक है द टू पॉइंट सिक्स परसेंट मंथ ऑन मंथ डायलेशन ऑफ सीरियल प्राइसेस यानी कि जो इनके पैसे जो कीमत है सीरियल्स की खाने वाली चीज़ों की गेहूँ है चावल है ठीक है सब्ज़ी हैं तो सीरियल की बात हो रही है यहाँ पर गेहूँ चावल की तो वो उनकी कीमत बढ़ती जा रही है ठीक है महीने दर महीने मोर शो बिकॉज दिस डिसोपेशनलिटी इसका जो इससे भी ज़्यादा अगर देखें मोर शो बिकॉज क्योंकि दिस डिसप्रोपोर्शनलिटली का मतलब असंगत रूप से इम्पैक्ट मतलब असर है रूर हाउस होल्ड पर स्पेंड अ लार्ज शेयर जो स्पेंड करते हैं गाँव के जो लोग होते हैं वो स्पेंड करते हैं वो सबसे बड़ा शेयर जो होता है वो इनकम का वो फूड पर खर्च होता है उनका ठीक है विद आर ट्वेल्व पॉइंट फोर ठीक है ये सेंटेंस में ओवर कर देता हूँ ताकि आपको एकदम बिजी हो ठीक है अभी यहाँ से देखिए विद आर ट्वेल्व पॉइंट फोर परसेंट बेट इन द रूर कंजम्शन बास्केट जिसका अगर मैं रूलर बात रूलर की इनकम की बात करूँ जो और ख़र्चा करते हैं वो सबसे ज़्यादा खाने पीने पर करते हैं और उनका ट्वेल्व पॉइंट फोर परसेंट इसी चीज़ों पर खर्चा होता है सीरियल प्राइसेज फ्यूल्ड तेज़ी से बढ़ा है जनवरी ओवरऑल रूलर हेडलाइन इन्फ्लेशन एट एन ईवन क्योंकि सिक्स पॉइंट एट फाइव परसेंट पेज अगर हाल फिलहाल की बात करें तो सिक्स पॉइंट एट फाइव परसेंट है जो तेज़ी से ऐसा महंगाई इसमें बढ़ी है क्योंकि गांव के लोग खाने पीने पे भी काफ़ी खर्च कर देते हैं मतलब इनकम तो काफ़ी कम होती है उनकी और उस पर भी खर्च हो जाती है खाने पीने पे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है सरप्राइज रिवर्सल मतलब पलटाव होना इन प्राइस ट्रेंड सजेस्ट वो दर्शाता है या हमें इशारे देता है इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस मतलब महंगाई जो उम्मीद है इन द इकॉनमी आर नो वेयर नियर एंकर्ड विल नेसेसिटेट फर्दर पॉलिसी एक्शन बोथ फ्रॉम आर बी आई एंड फिशिकल अथॉरिटीज़ ठीक है ये क्या कहना चाह रहे हैं अब ये देखिए कि सरप्राइज मतलब चौक आने वाली रिवर्सल मतलब उल्टा एकदम से ठीक है पलटा होना प्राइस में कीमत बढ़ना सजेस्ट ट्रेंड जो ट्रेंड चल रहा है कीमतों का बढ़ना सजेस्ट मतलब ये सुझाव देता है इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीद इन द इकोनमी में आने वाली है नो वियर कहीं नहीं नियर एंकर्ड एंकर मतलब किसी चीज़ को रोकना बिल इस चीज़ को रोकने में कहीं हमें दिखाई नहीं देता है रोक पाएंगे बिल नेट यानी कि जो जरूरत होगी फर्दर पॉलिसी इन एक्शंस की बोथ फ्रॉम आर एंड फिजिकल अथॉरिटी ये दोनों ही लोगों को अच्छे से इस पर काम करना पड़ेगा तभी इस पर हम अंकुश या एंकर लगा सकते हैं ठीक है अदरवाइज क्या होगा महंगाई बढ़ती चली जाएगी और जो कि डिसप्रोपोर्शनेट है क्लियर है टू बी श्योर मिस्टर दास लास्ट वीक नॉट ओनली अनाउंस्ड 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बट आल्सो कमिटेड टू आरबीआई कमिटेड द आरबीआई टू अनैक्टिंग पॉलिसी डैट एंड श्योर आर ड्यूरेबल इन्फ्लेशन ये क्या कहना चाह रहा है टू बी श्योर निश्चित रूप से मिस्टर दास लास्ट वीक नॉट ओनली अनाउंस्ड ना केवल उन्होंने अनाउंस किया कि 25 पैसे ठीक है 25 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होगा बट आल्सो बल्कि कमिटेड ये वादा भी किया था आर बी आई टू एन एक्ट कमिट के साथ टू प्रिपोजिशन आती है ध्यान रखना एन एक्ट वाला काम करेगा पॉलिसी डैट एन सी ओर सुनिश्चित करेगा ड्यूरेबल डिस इन्फ्लेशन की जो महंगाई है वो कम से कम होती है इसको भी सुनिश्चित करने की पूर पूरी पूरी कोशिश करेगा आर बी आई ठीक है विद कोर इन्फ्लेशन जो मतलब मुख्य रूप से जो महंगाई महंगाई है और प्राइस गेन प्राइस जो बढ़ रहे हैं स्प्रिट आउट फैल रहे हैं ठीक है बढ़ते बढ़ते इम्पैक्ट ऑफ फूड एंड फ्यूल प्राइसेस ये सबसे असर किस पर पड़ेगा फूड पर और फ्यूल पर ठीक है यानी कि ईंधन पर रिमेनिंग तो स्टोमॉली तो रिमेनिंग मतलब रहेगा इस्टोमॉली तो में मतलब अड़ियल रूप चे, से स्टक अबाउ सिक्स परसेंट जो कि टिका रहेगा छः परसेंट से ऊपर ठीक है इनफैक्ट इंचिंग अप बढ़ सकता है लास्ट मंथ सिक्स पॉइंट थ्री टू परसेंट वो टू थ्री परसेंट फ्रॉम डिसम्बर सिक्स पॉइंट टू टू परसेंट यानी कि दिसंबर के महीने में सिक्स पॉइंट टू टू परसेंट था अभी ये थोड़ा सा बढ़ सकता है स्लाइटली ठीक है अप इंच हो सकता है इंच अप हो सकता है पॉलिसी मेकर्स फेस द चैलेंज पॉलिसी मेकर चैलेंज फेस कर सकते हैं टारगेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड डैट कैन बी एड्रेस बाई रेजिंग क्रेडिट कॉस्ट एंड टैमिंग डाउन ऑन डिमांड ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिसी मेकर हैं ये फेस कर सकते हैं चैलेंजेस को ठीक है चुनौती को टारगेटिंग करने पे कंपोनेंट उन कंपोनेंट को ठीक है उन उन चीज़ों को जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में शामिल होती हैं ठीक है कैन बी एड्रेस और उनको एड्रेस करेंगे बाय रेजिंग क्रेडिट क्रेडिट बढ़ा करके कॉस्ट क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा करके एंड टैमिंग कंट्रोल करने की ऑन डिमांड ठीक है डिमांड को कंट्रोल करने की क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा ज़्यादा बढ़ता है महंगाई बढ़ती चली जाती है ये भी ध्यान रखना है ठीक है और भी बहुत सारे कॉज होते हैं फंडामेंटल कॉज बता रहा हूँ दूसरा है कि अगर चीज़ें कम होती हैं और डिमांड बढ़ती है तब भी महंगाई बढ़ती है ठीक है तो जब आप इकोनॉमिक पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी गिविंग डैट इन्फ्लेशन इज सेवरल की सर्विसेज कैटेगरी इंक्लूडिंग हेल्थ पर्सनल केयर रनिंग वेल ठीक है एंड अबोव द आर बी आई अपर बाउंड सिक्स परसेंट ठीक है विद प्राइस कंटिन्यू टू हार्डन द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट मल मेजर्स इंक्लूडिंग द रेशनलाइजेशन ऑफ जी एस टी रेट्स टू हेल्प इज द इन्फ्लेशनरी बर्डन ऑन द इकॉनमी अब ये क्या कहना चाह रहे हैं देखो गिविंग डैट इन्फ्लेशन महंगाई जो है इनसेबरल की बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें सर्विसज कैटेगरी की बात करें इंक्लूड जिसमें ऐसी सर्विसेज जिसमें हेल्थ की है पर्सनल केयर है इज रनिंग वेल अच्छी चल रही है अब द आर बी आई अपर बाउंड सिक्स परसेंट यानी कि उस पर विद प्राइस कंटिन्यू टू हार्ड इन प्राइस भी थोड़े हार्ड हो रहे हैं ठीक है बढ़ रहे हैं एंड द सेंटर एंड इस्टेट मस्ट मल इन दोनों को सोचना चाहिए विचार करना चाहिए मेजर्स इंक्लूडिंग द रेशनलाइजेशन उसकी जो रेशनलाइजेशन है मैं बदलाव करना जी एस टी पर जी एस टी रेट पर टू हेल्प द इज द इन्फ्लेशनरी बर्डन ऑन द इकोनॉमी जिससे कि हेल्प हो सके इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई बर्डन मतलब जो है इकोनॉमी पर उस पर भी थोड़ा सा अंकुश लग सके अगर ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और इस्टेट गवर्नमेंट बिच पर विचार करती है और थोड़ा जी एस टी में क्या करती है रेशनाइजेशन करती है यानी उसके रेट में ये जीएसटी का जो रेट है उस पर बदलाव करती है देन तब क्या हो सकता है इस पर कंट्रोल हो सकता है विद ओवरसीज जो विदेशी डिमांड है सेट टू स्टे वो स्टे विक यानी कमजोर रहेगी दिस ईयर क्यों देखते हैं अनटिम इन्फ्लेशन रिस्क हार्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड देयर बाई ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अगर जैसे मान लीजिए बाहर की जो चीज़ें हैं उसकी जो डिमांड है विदेशों की वो अगर कमज़ोर रहती है डिमांड कम रहती है सिंपल सी बात अनटेम अनकंट्रोल इन्फ्लेशन रिस्क जो कि रिस्क जो होगा डोमेस्टिक कंजम्पशन को क्या करेगा हमारा खराब कर सकता है ठीक है उस पर हर्ट कर सकता है उसको देयर वाई इसीलिए ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए जो ओवरऑल इकोनॉमी इकॉनॉमी ग्रोथ है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है ठीक है तो ये सारे आज का एडिटोरियल था आई होप शो आपने एकदम समझ लिया होगा और इजीली तरीके से कोई ज़्यादा टफ नहीं था अच्छा था डेटा दे रखा है उसमें बुकै भी बहुत सारी है ठीक है और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा दूँ प्रोवाइड कराऊँ आपको ठीक है तो आपको सहयोग करना पड़ेगा चीज़ें मैं आपको दे पाऊँगा ठीक है दूसरा है अगर आपको बिल्कुल विशेष तौर पर चाहिए डेली ठीक है तो आप हमारे पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं देन आपको सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बहुत एक कन्वीनियंट वे में मिलेंगी बहुत फ़ायदेमंद होगी ठीक है आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगाएंगी तो ये था आज का एडिटोरियल आई होप आपने एंजॉय किया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर हैव अ गुड डे